कि एसआईपी ने परफॉर्म किया है, बहुत बेहतरीन ढंग से गोहन ने काम किया। लेकिन जब इस पर प्रश्न खड़े हुए तो हमने इसकी जांच भी निष्पक्ष तरीके से हो इस बात को सुनिश्चित करने की हमने कोशिश की। एसआईपी ने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन उसके बावजूद जब हमने इस बात को कि पुलिस विभाग द्वारा भर्ती की जा रही है तो पुलिस विभाग इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस से अलग रहे, एक बात, और दूसरे इसका जो दायरा जो है दूसरी स्टेट में भी जा चुका है, तो ऐसी सूरत में हम एक कॉन्शियस डिसीजन सभी सरकार के साथियों के साथ लेने के पश्चात निर्णय किया है कि हम इस जांच को अब सीबीआई के सपोर्ट करें। कोशिश हो रही है पुलिस शामिल है, पुलिस हेडक्वार्टर शामिल है, पुलिस के अफसर शामिल हैं, जिन्होंने प्रदेश के बच्चों के साथ जो है इतना घिनौना अपराध किया है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस को ही दे दिया गया। जिन लोगों ने घोटाला किया, जिन लोगों के बतहत घोटाला हुआ, क्या वो ये जांच कर सकते हैं? लीक करना तो इस सरकार की एक प्रगति बन गई है, ये कोई पहली दफा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जो भी लीक ना हुई हो इस सरकार के शासनकाल। हिमाचल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में अभी तक पेपर बेचने वाले आरोपी एसआईटी की पहुंच से बाहर हैं। कई दिनों की जांच के बावजूद पेपर के खरीदार और दलाल तक ही एसआईटी पहुंच पाई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एसआईटी का गठन सिर्फ खरीदार और पेपर बेचने वाले दलालों को पकड़ने का ही है, या उन मुख्य आरोपियों को भी पुलिस पकड़ेगी जो पेपर लीक करने के मामले में मास्टरमाइंड हैं। इसके विपरीत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि आरोपी चाहे देश के किसी भी कोने में छुपे क्यों ना हो, उन्हें खोद कर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री के बयान के उलट पेपर लीक मामले में पेपर के साथ ही सिस्टम को लीक करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले को लेकर एक बार फिर कहा कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जयराम ने कहा कि जैसे ही रात 11:30 बजे पेपर लीक होने की सूचना उन्हें मिली थी, उसी समय प्राथमिकी दर्ज की गई और सुबह ही उन्होंने पेपर रद्द करने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को देश के किसी भी कोने से ढूंढ कर लाया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी इस मामले को आगामी विधानसभा चुनावों में मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। पुलिस भर्ती घोटाला हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक घोटाला होता नजर आ रहा है और इस घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सड़कों पर है। युवा कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए और सड़कों पर आंदोलन करने के बाद इस मामले को लेकर सरकार को अब मुश्किल में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मामले की तय तक जांच करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अभी कोई बड़ी गिरफ्तारी हिमाचल प्रदेश में इस मामले को लेकर नहीं हुई है। इस मामले में कब बड़ी कार्रवाई होगी इसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इन सबके बीच में अब हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश की सरकार और पुलिस के ऊपर लगा दिए। उन्होंने चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला है और उन्होंने कहा कि जब 2020 में हिमाचल प्रदेश में भर्तियां हुई थी उस समय भी कांगड़ा जिला में एक सेंटर ऐसा था जहां पर खुलेआम नकल हुई और पेपर सॉल्व करने वाले लोगों को पेपर सेंटर के बाहर बिठाकर चहेतों को भर्ती करवाया गया था और यहीं से हिमाचल प्रदेश में हो रही भर्तियों की पोल खुली। तबादला घोटाला खनन माफिया नशा माफिया के बाद हिमाचल प्रदेश में अब भर्ती माफिया सक्रिय हुआ है और इस भर्ती माफिया ने हिमाचल प्रदेश के छोटे लोगों को अपना शिकार बनाया है। लोग अपनी जमीनें बेचकर पैसे जुटा रहे हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में या फिर ये कहें कि नौकरियों को लेकर देश में अगर सबसे बड़ा घोटाला कोई हुआ है तो वो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारों में अक्सर ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा घोटाला इस तरह का हुआ। 70,000 से अधिक युवाओं ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी, 28,000 ने लिखित परीक्षा पास की थी और उसके बाद
जब नतीजा निकाला गया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए और प्रदेश का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हैरानी इस बात की है कि पुलिस के बगैर ये पेपर नहीं बेचे जा सकते थे, ये सब सरकार और पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस की उन बड़ी मछलियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता जिन्होंने हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया, तब तक कांग्रेस इस मामले को शांत नहीं होने देगी और जनता के बीच में सारे विषय को लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते तो सारे मामले की न्यायिक जांच करवाते, लेकिन उन्होंने एसआईटी का गठन किया और उस एसआईटी में भी उन लोगों को रखा गया जो इस घोटाले में किसी ना किसी रूप से शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान ये दिया है कि पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करवाई जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने इसके बाद तीखे शब्दों में कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो हर मामले में कहीं ना कहीं मेहनती युवाओं को ठगा गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि जब बच्चों का फिजिकल टेस्ट हुआ और जिन लोगों ने फिजिकल टेस्ट पास किया उन लोगों के नंबर बिना पुलिस की सहायता के दलालों के पास कैसे पहुंच गए, दलाल कैसे लोगों के साथ संपर्क करने लगे और इस सारे मामले की जांच निष्पक्षता से क्यों नहीं हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है और विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए आज एक बड़ा बयान दिया है। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में जो पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा था और लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी होता नजर आ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ये बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान देकर कहीं ना कहीं इस मामले को और विपक्ष के सवालों को कुछ हद तक मुख्यमंत्री ने शांत कर दिया है।